बड़ी खबर है जहां कोसी नदी में कटाव जारी है। नदी में स्कूल समा गया। नवहट्टा प्रखंड की हाटी पंचायत का यह मामला सामने आया है। राजकीय बुनियादी विद्यालय कोसी में समा गया। 20 दिनों से कटाव की मार लोग झेल रहे हैं, तो नदी में देखते ही देखते स्कूल समा गया। कटाव से लोगों में दहशत है। सहरसा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ सेकंड का वक्त और देखते ही देखते देखिए स्कूल कैसे नदी में समा जाता है। तो लोगों में दहशत है। नवहट्टा प्रखंड के हाटी पंचायत का यह मामला, आसपास के जो लोग थे उन्होंने कैमरे से मोबाइल फोन से इस तस्वीर को कैद किया है। बताया जा रहा है कि राजकीय बुनियादी विद्यालय की यह तस्वीर है जो कोसी में अचानक ही समा गया। 20 दिनों से कटाव की मार लोग यहां पर झेल रहे हैं। तो देखिए कुछ सेकंड का वक्त और ऐसे में लगातार चाहे वो घर हो, स्कूल हो, जमीन हो, कटाव की वजह से ये लगातार नदी में विलीन हो रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को सख्त करने और आपराधिक वारदातों पर नियंत्रण करने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ी पहल की है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी और नक्सलियों के खिलाफ इनाम घोषित किया है। इस पूरी खबर पर पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। अपराधियों और नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ी पहल की है। 7 कुख्यात अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय ने इनामी राशि घोषित की है और पुलिस कर्मियों के अलावा आम लोगों को यह कहा गया है कि अगर वो इसके बारे में सूचना देते हैं या उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करते हैं तो उन्हें इनामी राशि दी जाएगी। जो 7 कुख्यात अपराधी और नक्सली हैं उनमें मोहम्मद चांद जो पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है उसके खिलाफ 2 लाख रुपये की राशि घोषित की गई है। बजरंगी यादव जो फतुहा थाना क्षेत्र का है उसके खिलाफ 1 लाख रुपये की राशि घोषित की गई है। जो नक्सली है गया का कमलेश रवानी जो 3 कांडों में संलिप्त रहा है उसके खिलाफ 1 लाख रुपये का। अनिल यादव जो नक्सली है 4 कांडों में उसकी संलिप्तता रही है उसके खिलाफ भी 1 लाख का इनाम घोषित किया गया और यह गया का रहने वाला है। समस्तीपुर के अपराधी करमवीर कुमार जो 10 कांडों में आरोपी रहा है उसके खिलाफ 2 लाख रुपये की राशि घोषित की गई है, जबकि मोहम्मद साहिल यह समस्तीपुर का ही है इसके खिलाफ 1 लाख रुपये की राशि। और राजा शाह जो 2 कांडों में आरोपी रहा है उसके खिलाफ 1 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो घोषणा की गई है ये 2 साल के लिए वैध होगा और सभी लोगों से कहा गया कि वो इस बारे में आम लोग भी अगर सहयोग करते हैं तो उन्हें भी इनामी राशि पूरी दी जाएगी। और बिहार पुलिस मुख्यालय से यही आदेश जो है निकला है। अमृत राज अपर पुलिस महानिदेशक अभियान की तरफ से यह आदेश जो है वो निकाला गया है और इसमें कहा गया है कि कुख्यात फरार नक्सली अपराधकर्मी जिनका आपराधिक इतिहास है उनको अगर गिरफ्तार करने में आप सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस इनामी राशि के हकदार होंगे। संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। और बगहा से बड़ी खबर है जहां महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में महिला की हत्या की गई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के पट्टीदारों पर हत्या का आरोप लगा है। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। रामनगर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है जहां गोली मारकर महिला की हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।